हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदर्श त्रिपाठी है और मैं रैंक प्लस चैनल के थ्रू आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी ऑफ क्लास 11 एंड 12, जिसमें हम फुल एनसीईआरटी कवर करेंगे। और एनसीईआरटी के अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए या आपके डीएमएलटीज के लिए, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेक्टिव सेशंस होंगे एंड आई अश्योर यू कि आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने के लिए। तो जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग द रैंक प्लस एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, योर लव एंड अफेक्शन विल बूस्ट मी टू गिव माई बेस्ट। सो आई होप कि बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करने वाले हैं। आप ढेर सारा वीडियो देखोगे और अच्छे से प्रमोट करोगे इस चैनल को, अच्छे से प्रमोट करोगे हमारे वीडियोस को, जिससे कि जितने ज़्यादा आप प्रमोट करोगे, जितने आपके लाइक्स आएंगे, जितने आपके शेयर आएंगे, जितने आपके सब्सक्राइब्स आएंगे, वही हमारी रियल स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सोलली आपके लिए चैनल है और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको बायोलॉजी सिखाऊंगा। आई विल लेट यू द बायोलॉजी फ्लो इन योर ब्लड। ओके, तो बहुत मजेदार पढ़ने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमें शुरू करना है, वो क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, अब समझो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हेडिंग को, उसका जो हेडिंग है वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जितना आपको उसकी हेडिंग दिमाग में रहेगी थ्रू आउट द लेक्चर, उतने कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप कर पाओगे, है ना। तो द लिविंग वर्ल्ड, अब पहले ये समझो कि हमें क्यों पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड, क्या होता है लिविंग वर्ल्ड, तो आप ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाओगे। तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? जीवित चीजों का संसार। ठीक, दुनिया में जो भी चीजें लिविंग हैं, जो भी चीजें जिंदा हैं, उनकी बनाई हुई एक दुनिया। ऑल्दो ये अर्थ पे लिविंग, नॉन लिविंग हर चीज है ना, लेकिन यहां पे हमारा मेन फोकस सिर्फ लिविंग वर्ल्ड पे है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले आप ये तो जानते हो कि एक चीज होती है लिविंग, एक चीज होती है नॉन लिविंग, लेकिन आप किन बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करोगे कि एक कोई चीज लिविंग है या कोई चीज नॉन लिविंग है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सर्टेन कैरेक्टर्स दिए गए हैं, सर्टेन नॉर्म्स बताए गए हैं, सर्टेन रूल्स हैं कि भाई जो चीजें ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगी वो लिविंग है, अदरवाइज दे आर नॉन लिविंग। ठीक, तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए, उसका नाम है ग्रोथ। ग्रोथ, अब ग्रोथ क्या है? देखो, ग्रोथ जो है ना वो टू डायमेंशनल फैक्टर है। क्या है? टू डायमेंशनल फैक्टर। मतलब क्या है कि आप कब बोलोगे कि किसी चीज की ग्रोथ हो रही है, वो बताने के लिए हमें दो चीजें बताई गई है, दो चीजें। पहला कि अगर इंक्रीज इन साइज हो जाए, मतलब किसी चीज का साइज बढ़ जाए। ठीक है, कोई चीज मान लो एक रेत का पहाड़ था जो कि इनिशियली 5 फीट का था। ठीक है, बहुत तेज हवा चली, अब ये हो गया 20 फीट का। ठीक, 5 फीट का था, अब 20 फीट का हो गया, तो क्या हुआ? इसका साइज बढ़ गया। समझ रहे हो ना बात? इसका साइज बढ़ गया, तो एक ग्रोथ तो हुई। एक तो ये तरीका हो गया कि इंक्रीज इन साइज हमने देखा, दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, किसी चीज का नंबर बढ़ जाना। अब नंबर बढ़ जाना कैसे होता है? सेम एग्जांपल से ही लेते हैं। मान लो ये अब यहां पे 20 फीट का एक पहाड़ था। अब इस पूरे एरिया में, इसको कंसीडर नहीं करोगे अभी, ये एरिया में इतने बोरे में सिर्फ एक 20 फीट का एक पहाड़ था। ठीक, हवा चली, ये यहां से शट ऑफ होता गया, होता गया, होता गया, और 3 छोटे छोटे इसने बना लिए। दिस इज ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ सैंड ड्यून्स, क्योंकि यहां पे 3 अलग अलग पहाड़ एड ऑन हुए भाई, 1 से 3 हुए ना, तो इंक्रीज इन नंबर हुआ। तो ग्रोथ के लिए जो 2 फैक्टर होते हैं वो होता है, पहला इंक्रीज इन साइज, या तो उसका साइज बढ़ जाए, दूसरा या इंक्रीज इन नंबर हो जाए। ठीक, अब ये बताओ क्या तुम्हें ये लगता है कि ग्रोथ को आप एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हो किसी भी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग डिफाइन करने के लिए? मैंने तुम्हें एग्जाम्पल ही नॉन लिविंग से दिया और वो ग्रोथ शो कर रहा है, तो हाउ यू विल टेल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ कि ये एक फैक्टर हम माने या ना माने? देखो, समझो यहां पे एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है कि इंटरनल ग्रोथ, जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। अब इंटरनल ग्रोथ का क्या मतलब है? एक ह्यूमन है, ये एक बच्चा है, ठीक है, जब ये पैदा हुआ तो पैदा हुए बच्चे का वेट कितना होता है?
3 kg, ठीक है, 3 to 5 kg होता है। हाइट कितनी होती है? 1 feet, ठीक है, 1 feet का बच्चा था 3 to 5 kg का। अब इसकी जब ग्रोथ होगी, ठीक है, इसकी जब ग्रोथ होगी, सपोज 20 साल बाद इसकी ग्रोथ जब हमने देखा, चेक किए इन दोनों फैक्टर्स को, तो इसका वेट हो गया था मान लो 75 kg, हाइट हो गई थी 6 feet, ठीक, क्या हुआ 75 kg एंड 6 feet। लेकिन क्या ये ग्रोथ जो हुई है ये किसी एक्सटर्नल चीज को एड ऑन करने से हुई है क्या? क्या तुमने इसकी हड्डियां जो वो बाहर से बढ़ाई हैं? इसका जो मसल मास बढ़ाया वो क्या बाहर से मसल ऐड करके बढ़ाया? नहीं, इट इज इंटरनल, बॉडी के अंदर से हुई है ये ग्रोथ, है ना। तो जब इंटरनल ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, समझो। अब एक टेबल थी, ठीक है, ये टेबल है, मान लो जब मैं इसको खरीद के लाया था तब इसका वेट था 20 kg, हैवी टेबल था, मैं इसको खरीद के लाया, इसका वेट था 20 kg। अब इस 20 kg की टेबल को मैंने बना दिया 40 kg। अब वो 40 kg कैसे बनाया? मैंने यहां पे इसमें प्लाई ऐड कर दी, मैंने यहां पे इस पे साइड साइड में प्लाई ऐड कर दी, प्लाई हमने ऐड करी और यहां पे भी प्लाई लगा दी और इसके पावे के नीचे एक और प्लाई लगा दी इधर, तो ये हो गई, मान लो ये लाया था तो मैं 2 feet की थी, अब ये हो गई 4 feet की। तो क्या हो रहा है इवेंचुअली, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं बाहर से चीजें एक्सटर्नल ग्रोथ दे रहा हूं, मैं एक्सटर्नली चीजों को ऐड कर रहा हूं, और जब मैं एक्सटर्नली चीजों को ऐड कर रहा हूं तो उसे मैं ग्रोथ नहीं कहूंगा, ग्रोथ तो मैं कहूंगा लेकिन उसे इंटरनल ग्रोथ नहीं कहूंगा। इसलिए ग्रोथ कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली लिविंग्स। सिर्फ लिविंग्स ही ग्रोथ नहीं करते हैं, नॉन लिविंग्स भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन ओनली द इंटरनल ग्रोथ। जब ग्रोथ इंटरनल होगी तब आप कहोगे कि हाँ इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर आप सिर्फ कंसीडर करोगे ग्रोथ को, ठीक है, तो ग्रोथ को आप जब सिर्फ कंसीडर करोगे तो आप कभी नहीं कहोगे कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब ग्रोथ के बाद अगली जिस चीज के बारे में हमें बात करना है वो क्या था? रिप्रोडक्शन। अगली जो चीज थी वो क्या थी? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूं डेफिनेशन। टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अपने जैसे एक नए जीव को जन्म देना, अपने जैसी एक स्पीसीज, अपने ही स्पीसीज के एक नवजात को जन्म देना, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक, समझ में आ गया। मत यहां पे इस बात को ध्यान रखना, क्या होता है रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर होगा, ठीक। तो रिप्रोडक्शन हमको समझ में आ गया कि क्या है भाई, मोटा मोटा टू रिप्रोड्यूस द टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे किसी एक को जन्म देना, ठीक। आगे बात समझ में इतनी? ओके, अब क्या हुआ? अब रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है ये कैसे पता करेगा? रिप्रोडक्शन हाँ जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहां पे एक फुटबॉल रखी है और वो आगे चल के 4 हो जाए अपने आप से, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक, बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि एक फुटबॉल है और वो अपने आगे से चल के 4 हो जाए। तो नॉन लिविंग तो नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म हो गई बात सारी। कर सकते हैं तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, लेकिन क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं तुम्हें 3 एग्जांपल देता हूं। पहला म्यूल, खच्चर। दूसरा इनफर्टाइल कपल, ठीक।
तीसरा वर्कर बीज, ये तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते क्या वो लिविंग नहीं है? खच्चर, मिक्सचर ऑफ व्हाट, हॉर्स एंड अ डोंकी, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? वर्कर बीज, क्या तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे कांट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन को भी, तो हम रिप्रोडक्शन को भी एक लिविंग, सिर्फ लिविंग का एक कैरेक्टर है ये नहीं कह सकते हैं, है ना? सिर्फ लिविंग के लिए ही ये कैरेक्टर रिप्रोडक्शन बना है ये हम नहीं कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हुए? चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेते हैं वो लेते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है? मेटाबॉलिज्म को हम लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक? अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये बड़ा ही बड़ा चैप्टर, मतलब बहुत ही अच्छा टर्म है विद ब्रॉड डेफिनेशन, ठीक है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द सम ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वेदर वो कहीं भी हो रहे हैं, वेदर इट इज हैपनिंग इन योर टो और इन योर ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। क्या मैंने कहा, समझो यहां पर, सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? सारे रिएक्शंस का सम अप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब आगे समझो, रिएक्शंस कैसे होते हैं? किसी भी बॉडी में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक? वो दो तरह के रिएक्शन क्या होते हैं, एक होता है आपका एनाबॉलिक और एक होता है तुम्हारा कैटाबॉलिक। कैसा होता है, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक, ठीक? अब समझो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है, चलो एक समझाऊंगा अगला अपने आप समझ में आएगा। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक को बीच से डिवाइड करो और अब इसको बोलो कैटाबॉलिक। क्या हो गया ये कैटाबॉलिक, मतलब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन होता है जब आपकी बॉडी में चीजों का ब्रेकडाउन होता है, समझे? ये क्या है, कैटाबॉलिक, यहां पे चीजें ब्रेकडाउन होती हैं, ठीक? एनाबॉलिक, अब एक में अगर चीजें टूट रही हैं तो दूसरे में क्या होगी, चीजें बनेंगी। मतलब ये होता है रिएक्शन जब बॉडी में सिंथेसिस होती है चीजों की। अब दोनों की एग्जांपल समझो, खाना खाया, ठीक है, आपने रोटी खा ली, हैवी कार्ब्स लिया, अब वो कार्बोहाइड्रेट आगे जाके टूट टूट के किसमें आपको बन, किसमें चेंज हो जाता है भाई? कार्ब आपने लिया, रोटी खाई, कार्ब जाके किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में तो चेंज होता है, ब्रेकडाउन हो रहा है ना वहां पर रिएक्शन होके, तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कैटाबॉलिज्म, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट इज गेटिंग चेंज्ड इनटू ग्लूकोज, ठीक? अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेसिस रिएक्शंस क्या है हमारे पास, सिंथेसिस रिएक्शन, मान लो आपने खाना खाया और अमीनो एसिड्स गए आपकी बॉडी में, है ना, अमीनो एसिड गए, अब वो अमीनो एसिड्स की चेन बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, दैट लीड्स टू अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है? अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है, कार्ब खा रहे हो, ग्लूकोज बन रहा है, ये है कैटाबॉलिज्म और ये है एनाबॉलिज्म। अब सुनो, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बात समझ में आया तक? चलो तो अभी तक हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म की, मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हाँ, उसमें एक लाइन एनसीईआरटी जो लिखती है भाई, क्या गजब की लाइन लिखती है, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन टू अंडरस्टैंड। वो क्या कहती है कि हर एक मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म
इन अ सेल फ्री मीडियम, मतलब हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप एक सेल फ्री मीडियम में करा सकते हो। बिल्कुल, मैंने क्या बोला था, मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम अप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में हो रहा हर एक रिएक्शन आप हमारी बॉडी के बाहर भी करा सकते हो, एक सेल फ्री मीडियम में भी करा सकते हो। बट उसके बाद वो क्या कहती है, ये बात समझना कि अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जिसपे क्वेश्चन बनता है नीट में। क्वेश्चन ये है कि इट इज श्योरली अ रिएक्शन ऑफ अ लिविंग बट नॉट ए लिविंग रिएक्शन। क्या है अब ये लाइन में क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब है कि जो रिएक्शन आप मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बॉडी के बाहर एक सेल फ्री मीडियम में करा रहे हो वो है तो लिविंग का रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन लिविंग नहीं है। समझे नहीं, मान लो कि कहीं हमारी बॉडी में आपने कार्बोहाइड्रेट खाया वो टूट के ग्लूकोज बना, तो ये एक रिएक्शन, अकेला एक रिएक्शन आप बाहर भी करा सकते हो, ठीक है, केमिकल लैबोरेटरीज में भी करा सकते हो, लेकिन क्या वो रिएक्शन लिविंग हो जाएगी? अब नहीं, नहीं, वो रिएक्शन तो है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो एक लिविंग बीइंग में होती है, ये बात आप मान लो, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो खुद में लिविंग नहीं होगी। ठीक है, वही चीज यहां है कि इट इज अ रिएक्शन ऑफ लिविंग बट नॉट अ लिविंग रिएक्शन। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, वो एक रिएक्शन ऑफ लिविंग है बट नॉट अ लिविंग रिएक्शन। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये भी हमको पता चल गया, सारी बातें ये हो गई। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे है, अगला कैरेक्टरिस्टिक जो हमें मिला है वो क्या मिला है, कॉन्शियसनेस। क्या मिला है, ठीक है, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है, क्यों ये लिविंग कैरेक्टर है? देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले स्टिमुलाई के, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले संकेतों के प्रति हमेशा एक्टिव या रिएक्टिव रहता है, वो कोई भी हो। अब एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो या एक ह्यूमन बींग क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो लिविंग है तो वो बिल्कुल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए रिएक्टिव और एक्टिव रहेगा। कैसे, ये बात कैसे समझे हम सर? देखो, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, सडनली आग लग जाए तो मैं भागूंगा, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, पानी डालूंगा। ठीक, एक कुत्ता है उसे मैं पत्थर मार दूं, ठीक है, तो वो भागेगा या तो मुझसे दूर या तो मुझे काटने, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ही काटने आएगा भाई। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर एसिड या बेस डाल दो वो रिएक्ट अपने तरीके से करेगा। ठीक, पेड़ पौधे हैं, है ना, सनफ्लावर सबने देखा है, सूरजमुखी क्या होता है, उस पर सनलाइट पड़ी, इट मूव्स इन द सर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन, जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे वो मूव करता है ना। तो हम क्या समझ रहे हैं यहां पे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ह्यूमंस के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, क्या वो अच्छी क्वालिटी है, दे आर दैट वी आर सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस, ये क्या बात है सर, एक बार बताते, कॉन्शियस एक बार सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस मतलब हम अपने बारे में भी जानते हैं, अपने बारे में तो सब जानते हैं सर, कुत्ता भी अपने बारे में जानता है, इसमें क्या ह्यूमन की क्वालिटी है। मैं सिर्फ पेन या इन सेंसेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट आर सेल्फ, मतलब हमारी बॉडी में अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, दिस इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्लियर हुई है बात? बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या है, दे आर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो है, ठीक है। अब मान लो कि एक कोई जानवर है ना, मे बी तुमने देखा होगा कि मतलब कुछ तबाही अलग मच रही है और जानवर खड़ा है अपना, वो अपने काम कर रहा है ना,
क्यों? क्योंकि वो उतना अपने अपने लिए स्टिमुलस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, वो अपने लिए काम नहीं कर सकता। यार अगर मुझे अभी कुत्ता दौड़ा ले तो क्या होगा, मैं भागूंगा ना वहां से, आई एम अवेयर। लेकिन वहीं पे मान लो एक कोई एक्स जानवर खड़ा है, उसे कुत्ता दौड़ा ले, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं भागेगा, खड़ा रहेगा, कुत्ता उसे काट लेगा, है ना। तो ये क्या, हम अपने लिए अवेयर है कि हमें अपने आप को कैसे बचा के रखना है। ये ह्यूमन बींग्स की एक बहुत ही यूनिक सी क्वालिटी है। तो कॉन्शियसनेस को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ठीक, अब सुनो, यहां पे अब आता है एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या जो पेशेंट कोमा में है, क्या वो लिविंग है? सोचो, जो पेशेंट कोमा में है, वेंटिलेटर पे लेटा है, क्या वो लिविंग है? अब तो कहो कि सर कोमा वाला पेशेंट तो कॉन्शियस ही नहीं होता। कोमा का पेशेंट तो उसके सामने भैंस खड़ा करो, भैंसा खड़ा करो, शेर खड़ा करो, हाँ बैंड बाजे बजा डालो, कुछ नहीं होगा यार, उसे नहीं होगा। तो बताओ, अब मुझे बताओ कि वो लिविंग है कि नहीं है। सोच, दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम कॉन्शियसनेस को एक क्राइटेरिया मान लें, कॉन्शियसनेस को अगर हम एक क्राइटेरिया माने, तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं देगा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं देगा, कुछ भी कर डालो उसके साथ, है ना। तो क्या वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ऊपर से वेंटिलेटर पे अलग पड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट में बताना मुझे कि आपको क्या लगता है कि क्या वो पेशेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेटर ऑन आई विल क्लियर द डाउट। ओके, चलो अब कॉन्शियसनेस के बाद जो एक क्राइटेरिया लेना है हमें, कॉन्शियसनेस एक क्राइटेरिया हो गया ना, मिल गया। अब ये थे हमारे चार कैरेक्टर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमने लिए थे, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। अब मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया कॉन्शियसनेस को लेके। अब सुनो आगे, अब और बातें सुनो मेरी। जो एक टिश्यू होता है, अब मैं आपको समझाता हूं बॉडी के अंदर इंटरैक्शन कैसे है। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये तो पता होगा ना कि एक एटम होता है, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनता है, फिर उस मॉलिक्यूल से सेल बनती है, फिर उस सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उस ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है ना। क्लियर है ना ये बात? एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और एक इंडिविजुअल। अब समझो बात को, बात यहां पर मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि ये इंटरेक्शन होता कैसे है, यहां पे ऑर्गेनिज्म यहां तक बन के आता कैसे, इंडिविजुअल कैसे बनता है एक एटम से। क्योंकि केमिस्ट्री में तुम सब ने पढ़ रखा है कि किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट एटम। ठीक, तो हमें, मैं अब तुमको ये हायरार्किकल चार्ट समझाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे एक एटम से एक इंडिविजुअल तक का सफर तय होता है। ठीक, एटम ग्रुप्स करेंगे, मॉलिक्यूल ग्रुप्स करेंगे, सेल ग्रुप्स करेंगे, तो बनेगा टिश्यू। अब समझो, जब ये टिश्यू बनता है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टिश्यू डजंट रिसाइड्स इन अ सिंगल सेल बट इट रिसाइड्स इन द इंटरैक्शन अमंग दोस सेल। काफी भारी अंग्रेजी हो गई, हिंदी में समझो। हिंदी में समझाने का मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टिश्यू है, टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर नहीं होती। मतलब मान लो कि ये, चलो ये समझ आ गया, चलो देखो, एक सेल ये है। ठीक, तो अब क्या कह रहा हूं मैं, और ये जब सारी इकट्ठा कर दी हमने, ठीक है, कलेक्टिवली हमने बना दिया, तो ये वाली लाइन जो एक बाउंड्री मैंने बनाई है, इसको हमने कह दिया कि ये है टिश्यू। ठीक, एक टिश्यू, और इसके अंदर ये क्या है, एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो इस टिश्यू की प्रॉपर्टी है ना, वो किसी एक सेल की वजह से नहीं है। कोई एक सेल एक टिश्यू की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता। क्या डिफाइन करता है? इनके आपस का इंटरैक्शन। इंटरैक्शन, ठीक है, बोलती बतियाती थोड़ी, और बहनी बताओ क्या होता है।
ये थोड़ी होता है सेल्स के बीच में, अरे सुनो यार एक बात बताएं, ये दे डोंट इंटरैक्ट लाइक दिस, दे इंटरैक्ट थ्रू देयर केमिकल एंड द रिएक्शंस, ठीक है। मैंने ये तो तोड़ के बोला है केमिकल एंड रिएक्शंस, मतलब इस सेल से क्या केमिकल निकल रहा है, इस सेल से क्या केमिकल निकल रहा है, अब ये दोनों केमिकल आपस में मिलके क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वहां से कुछ और एक केमिकल निकल रहा है, तो क्या होता है, सेल इंटरैक्ट थ्रू देयर केमिकल्स एंड देयर रिएक्शन, दे डोंट रिएक्ट लाइक हाउ हे बडी व्हाट्सअप, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेल्स के साथ क्या पता होता भी हो, ठीक है, अबे नहीं होता है, मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो सेल्स हमेशा अपने केमिकल और अपने रिएक्शन के थ्रू इंटरैक्ट करती है, और इनका इंटरैक्शन ही बनाता है एक टिश्यू की प्रॉपर्टी को, ठीक। ये लाइन याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, और गुरु ये सारी लाइनें बहुत बहुत खतरनाक है, मतलब नीट के पेपर में ना तो कतई क्या दे देगा तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, वो पेज नंबर भी पूछ लेंगे, बस चले उनका बस चलता नहीं है, फिर भी कुछ भी पूछ लेंगे, जो लाइन तुम्हें बहुत हल्की लग रही होगी ना कि यार ये लाइन तो क्या, इसका तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, लाइन आ गई ना और चार्ट लाइन सिमिलर लिख के दे देता है तो समझ में आता है, अरे यार ये तो पढ़े थे, कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। तो सारे कैरेक्टर्स अपने को पता चल गए कि हमने किस बेसिस पे लिविंग को बताना है, लिविंग किस बेसिस पे नॉन लिविंग को बताना है, नॉन लिविंग और इंपॉर्टेंट लाइंस। देखो जो एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, वो भी इसलिए मैंने तुमको बहुत सारी बता दी है, यही सब क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के लाइंस पे ही, वो क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि लाइंस भाई इतनी खतरनाक है। देखो मेटाबॉलिज्म की लाइन, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बाहर तो परफॉर्म कर सकते हो लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन नहीं होगा, वो एक लिविंग का तो रिएक्शन होगा पर एक लिविंग रिएक्शन नहीं होगा, यही समझने में आधे लोग का तो मत्था खराब हो जाता है, क्या है ये, क्या लिख रखते हैं, क्या मचा दी हो यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ऐसे ये टिश्यू से एक ऑर्गन बनेगा, तो क्या एक टिश्यू उस ऑर्गन का काम थोड़ी बता देगा, इन टिश्यू का एक ग्रुप, इनके बीच का एक इंटरैक्शन, वो बनाएगा एक ऑर्गन। अब एक ऑर्गन मान लो सिर्फ पेट है, तो क्या पेट ही एक इंडिविजुअल है, मतलब क्या सिर्फ स्टमक से एक इंडिविजुअल बन सकता है, क्या मजाक करते हो यार, नहीं, ये स्टमक है, मान लो एक स्टमक है, स्टमक इंटेस्टाइन से भी कोलैबोरेट करेगा, स्टमक लिवर से भी बात करेगा, स्टमक पैंक्रियास से भी बात करेगा, स्टमक हार्ट से भी बात करेगा, स्टमक किडनी से भी बात करेगा, भैया सबके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, स्टमक ब्रेन से बात करेगा, लो ब्रेन को तो भूले गए थे, हैं, ब्रेन से बात करेगा, तब क्या होगा, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तब खड़े होते इंडिविजुअल, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक। अब एक रिवीजन हो गया, यहां तक समझ में आ गया, ग्रोथ को आप कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं, दो दे शो एक्सटर्नल ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ तो करते हैं, हाँ, लेकिन जब बात करोगे इंटरनल ग्रोथ की, तो इंटरनल ग्रोथ हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा, वो कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर सकता। बात करोगे रिप्रोडक्शन की, भैया ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर कोई नॉन लिविंग, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, वरना एक जैन की दुकान नहीं चल रही होती भाई, है क्यों बनता कोई सेक्सोलॉजिस्ट अगर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता, है ना। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की हमने बात की, मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, सबसे बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है वो, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी, ठीक, दो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक को कैटाबॉलिक पढ़ो ही मत, सीधे कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनाबॉलिक मतलब सिंथेसिस रिएक्शन। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट लाइन थी, फिर हमने लिया था कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, अवेयर टू द स्टिमुलाई ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में हो रही घटनाओं के लिए हमारी प्रतिक्रिया, दैट इज कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बींग्स की एक अच्छी क्वालिटी क्या है, कि वी आर सेल्फ कॉन्शियस, हमें हम अपने बारे में भी जागृत हैं। उसके बाद अगली बात क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स हो गए, मैंने लाइन बता दी, ये तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक, कोई डाउट हो वीडियो के लास्ट में देखेंगे हम, अगला वीडियो हमारा टैक्सोनॉमी शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो की बात है यही तक, अगली बात है अगले वीडियो में, थैंक यू।